हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। और अगर बात करें फ्यूचर का मल्टीबैगर अगर उसे कहेंगे ना, तो कोई गलत बात नहीं होगी। कौन सा शेयर है, किससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे अभी की डेट में देखिए सिक्योरिटीज़ के जितने भी स्टॉक है ओके, जो कि आज के दिन में भागते हुए मिले। कुछ मैंने ऑलरेडी पहले भी कवर किए थे, बट यहाँ पर जित चार पांच स्टॉक्स है, ICICI सिक्योरिटी, एंजल ब्रोकिंग, IIFL, जियोजी, मोतीलाल ओसवाल, तो इनसे रिलेटेड वीडियो है। आपको कौन से स्टॉक अच्छा लगता है कमेंट भी करिएगा, एज वेल एज यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी किस शेयर, कौन सा शेयर सेफ है, सबसे अच्छा है ओके। एज वेल एज इन वीडियो को भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं दोस्तों ओके, आरती ड्रग्स बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसलिए इसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आरती ड्रग्स आज के डेट में देखें तो 10% भागा है, और पाँच दिन से देखें तो ये इसी डेट में इसी मतलब 700 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और ये पता था कि एक दिन ये भागने वाला है डेफिनेटली। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि इनका बाई बैक है, 1000 रुपीज़ के आसपास का बाई बैक है, तो इस शेयर की तरफ नज़रें बना के रखिएगा, अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ देख लीजिए बाई बैक कितना है, ये मतलब 60 करोड़ रुपये का बाई बैक है, और 1000 रुपीज़ का यहाँ पर टेंडर के थ्रू यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईबैक नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये डेट थी जो कल की डेट में आने वाला है, क्या कौन सी डेट है, 7th, यहाँ 8 6 है, तो 7 की डेट में सबको बाईबैक से रिलेटेड पता चल जाएगी, इसलिए यहाँ पर आज की डेट में शेयर भागता हुआ नज़र भी आया है। बाकी बेहतरीन शेयर है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये चला ही नहीं है काफ़ी दिन से, इसलिए यहाँ पर अब भागना शुरू किया है, तो अच्छा खासा अब भागते हुए आपको नजर आ जाएगा अगर आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं भागा। बट इस शेयर से रिलेटेड बातें नहीं कर रही, हम बातें करने वाले हैं दूसरे शेयर से रिलेटेड, जो कि आपने अब थंबनेल में भी देख लिया होगा, SIS लिमिटेड ओके। काफ़ी बार इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, और बात करें तो आई थिंक लास्ट वीक भी एक वीडियो बनाई थी जब ये शेयर 352 रुपीज़ के आसपास था ओके। यहाँ पर ये शेयर था, मैंने आपको बताया था कि आप इस शेयर को लीजिए, बेहतरीन शेयर है ओके, और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस शेयर में 6-7% के आपको रिटर्न मिलते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। वन डे का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, लगभग फ्लैट है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लीजिए ओके, 5-6% के यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। बाकी ये शेयर अगर बात करें 6 महीने से कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, जब से इसकी बाईबैक की न्यूज़ आई भागा, और भागने के बाद यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी लोग ऊपर की लेवल पर फंसे हुए, तो कहना चाहूँगा उनसे कि बाय ऑन डिप्स करिए इस शेयर में ओके। जिनके पास नहीं है वो खरीद भी सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी करके, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिंपली मैं वीडियो नॉलेजेबल पर्पज़ से बना रहा हूँ, और कुछ डिफ्रेंशिएशन और एज वेल एज अगर बात करें कुछ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अगर बात करें SIS लिमिटेड, देखिए इसका भी बाईबैक है, 550 रुपये के बाईबैक पर ये का ये शेयर जाएगा ओके, और 9th अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, तो अभी जिस जो लेगा उसे बाईबैक का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ, जिन्होंने 9 अप्रैल मतलब 7th अप्रैल के तक या उस दिन पहले उनके शेयर होंगे, तो ऑब्वियसली उनको जितने शेयर होंगे उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो बाईबैक इधर 100 करोड़ रुपीज़ का है, वहाँ पर 60 करोड़ रुपीज़ का था। तो SIS लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर कितना, 550 का यहाँ पर बाईबैक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और बाईबैक की न्यूज आती जब भागा था, फिर उसके बाद गिरता हुआ नजर आया ये शेयर। तो अब करना क्या है, तो देखिए इसकी जो ओपन यहां पर जो टेंडर डेट थी, सब कुछ खत्म होने वाला है, और कल की डेट में इन्हें पता भी चल जाएगा कि किसका बाईबैक हुआ है किसका नहीं। बट SIS का अब शुरू होने वाला है, SIS का अगर बात करें 12th ऑफ मई मतलब 6 दिन बाद यहां पर जिन टेंडर के थ्रू यहां पर शेयर लिए जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, और 27th ऑफ मई तक ये चलेगा, और 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब जून की बात कर रहा हूँ, ये आपको दोबारा पता चल जाएगा किसके शेयर बाईबैक में गए हैं या नहीं। बट आपको बताना चाहता हूँ ये न्यूज़ नहीं है, ये सिंपली आपको नॉलेज देनी थी तो यहाँ पर बता दिया। बाकी इस शेयर से रिलेटेड मेरे को बात ये करनी थी कि आप ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म में ओके इस लेवल तक जाता हुआ मिलेगा, 450-60-70 रुपये तक, मतलब 100 रुपये का यहाँ अपसाइड आपको सीधा दिखाई दे रहा है,
एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, तो ये शेयर आपको यहाँ पर भी जाते हुए दिखाई देगा 700 रुपये तक। 550 तो इसका बाईबैक है, बट 550 तो कंपनी को पता है कि यहाँ 550 पे इसलिए तो वो शेयर ले रही है आपसे। 370 रुपीज़ का शेयर आपसे 550 पे लेने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस शेयर की वैल्यू क्या है और अपने इन्वेस्टर्स को वो खुश भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले बिजनेस ऐसा है, किस किस अगर बात करता है यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे की पोजिशन में मार्केट लीडर है। बात करें देखिए, नंबर 1 सिक्योरिटीज़ है, नंबर 2 फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और नंबर 2 कैश लॉजिस्टिक, जो कैश जाता है आपने देखा होगा बैंकों में के ATM में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो सिक्योरिटीज़ और अगर बात करें पूरे इंडिया में फैली हुई है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। 630 डिस्ट्रिक्ट में, 29 स्टेट में, 332 ब्रांचेज है, और 30+ ईयर का यहाँ पर इनका क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इस कंपनी की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये नंबर 1 लीडिंग नंबर 1 नंबर 2 पे है। तो अगर बात करें यहाँ पर मार्केट कैपिटल, यहाँ पर 5000 का मार्केट कैपिटल है, 5400 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है। बट आपको बताना चाहता हूँ ये कंपनी आने वाले टाइम में मिड कैप और लार्ज कैप की कैटेगरी में दिखाई देगी। डेट है कंपनी के ऊपर थोड़ा सही, बट ROE की बात करें 11% का, बट हमें इसे नहीं देखना, हमें देखना है प्राइस एप्रिसिएशन। इंट्रेंसिक वैल्यू 462 है, 370 पे शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपये का तो अपसाइड यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो आपको ये शेयर भागता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है। अब क्यों ये शेयर 650-700 रुपये के लेवल से देखिए ये शेयर गिरता हुआ नजर आया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये शेयर अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो हाईएस्ट प्राइस था यहाँ पर ऊपर की तरफ लगभग 700 रुपये के आसपास था, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर यहाँ पर बाई बैक, फिर उसके बाद गिरा, तो ये गिरता जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, तो इसके देखिए फिलहाल में रिजल्ट आए थे, मैंने आपको बताया भी था, सेल्स देखिए। अगर पिछले 12 महीने की सेल्स देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 क्वार्टर की, तो सेल्स यहाँ पर देखिए 563 करोड़ रुपए की सेल्स है, 775 करोड़ की सेल्स में पहुँच गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पर थी मार्च 2020 में, उसके गिरता हुआ नजर आया, धीरे धीरे यहाँ पर पीक पकड़ लिया है। और जैसे जैसे सब चीज़ खुलेगी और जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पर मॉल्स जैसे कंस्ट्रक्शन होंगे, एज वेल एज बड़े बड़े लोग अपनी सिक्योरिटीज रखेंगे हर चीज़ में, मतलब क्या ये शेयर ये कंपनी का हिस्सेदारी बढ़नी है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मॉल खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सिक्योरिटी गार्ड हर जगह लगते हैं। आप किसी कंपनी में काम करते होगा, आपके कंपनी में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो सबसे बड़ा लीडर है ये, तो आपको ये बताना चाहता हूँ। भागे गई ये शेयर और देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36, तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कंपनी नेगेटिव में थी और यहाँ पर धीरे धीरे अब प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अदर इनकम का थोड़ा सा फैक्टर था जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा लो नज़र आ रहा है, बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे, तो 358 करोड़ रुपीज़ की कंपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हुए आज 3000 करोड़ के अंदर, मतलब 10 गुना तो यहाँ पर 10-11 साल में यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ का 171 पे पहुँच गया है, नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का 57 पर पहुँच गया है। ओके, तो कंपनी बताऊँ तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, आपको इस ऐसी कंपनी पे विश्वास करना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स देखिए 49 करोड़ के रिजर्व, 738 करोड़ के रिजर्व्स, अपने यहाँ पर बोरिंग इस बार कम कर दी है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट, 524 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और एज वेल एज बात करें कैश की, तो 404 करोड़ रुपये का कैश और 446 का कैश रिसीवेबल इस बार होता हुआ नज़र आया है। और बात करें प्रमोटर्स की, 72.88% की हिस्सेदारी है, थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए FIIs 11%, DIIs 6%, पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल 9% की हिस्सेदारी है, और वो भी अगर बात करें सारे हिस्सेदारी सारे अच्छे हाथों में, FIIs, DIIs और प्रमोटर्स के हाथों में यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस कंपनी की तरफ आपको ध्यान देना है, ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, और आपको बताइए आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, तो ये कंपनी लीड लेती हुई नज़र आएगी। और ये 554 करोड़ की कंपनी मिड कैप में भी चेंज होती हुई नज़र आएगी, और लार्ज कैप में भी आने वाले 5 से 10 सालों में नज़र आ सकती है। तो ऐसी कंपनी की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नज़र आया था पेंडेमिक में, उसके बाद गिर पकड़ी थी, दोबारा देखिए उसी लेवल पर आ गया है। बट इस शेयर का जो स्टार्टिंग प्राइस जो मुझे नज़र आ रहा है 626 रुपये, जिससे ये टूट के नज़र आया था ना, क्यों? क्योंकि फरवरी यहाँ पर मार्च देखिए, मार्च में अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े से दिखा देता हूँ मैं आपको,
क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, मार्च में 785 के रिजल्ट्स थे, उसके बाद गिरता हुआ यहाँ पर शेयर गिरा, और यहाँ पर इनकी अगर बात करें परफॉर्मेंस भी गिरती हुई नज़र आई, बट उसी लेवल पर दोबारा आ गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बस शेयर का यहाँ पर परफॉर्मेंस तो कंपनी ने दिखा दिया है, रिजल्ट पेश कर दी है, ओके प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर दिया है, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है, सब चीज़ हो गया है, बस शेयर का प्राइस अभी भी देखिए उसी लेवल पर है। तो आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही ये शेयर भागेगा, ओके, तो आपको ये जो शेयर है यहाँ पर अगर बात करें इधर से देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो आपको लगभग 65% के आपको प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, एक महीने के अंदर अंदर ये बायबैक से रिलेटेड जब आएगा, तो यहाँ पर दोबारा से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है अच्छा खासा, कितना, अगर 100 रुपये का ये प्राइस भी ऊपर चला गया यहाँ से, तो 23-24% के रिटर्न आपको एक महीने में नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस प्राइस को टच करेगा, ओके, एक बार बायबैक होते ही साथ, और फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव इसका यहाँ पर है, इस बात को रखना, 88% के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और ऐसी कंपनी में अपना पैसा लगा के रखिए, अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो बायबैक से रिलेटेड न्यूज थी जो आपको बता दी, 12 तारीख को ओपन होगा, किसी ने अगर रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदा होगा, रिकॉर्ड डेट कब थी तो आपको बता दिया है, लगभग 7th अप्रैल से पहले आपने खरीदा होगा, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो इसी चीज से रिलेटेड न्यूज थी, इसी चीज से रिलेटेड आपको सब कुछ बताना था। SIS का शेयर है, काफी बेहतरीन शेयर है, आपको इसकी तरफ नजर बनानी है, जैसे आरती ड्रग्स भागा है वैसे ये शेयर भी आपको भागते हुए नजर आएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और उन्हें भी हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।